जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमको क्या लगता है ना कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दिए हैं। आपको कौन साइंटिस्ट को दिखाना चाहिए? साइकाइट्रिस्ट बोलना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम और लड्डू के भैया तो मस्त आ रहे थे। आइए ना फिर मस्त आते हैं। I told you, you never listen to me. आइंदा हमारे घर में घुसने की कोशिश मत करना। No means no. मैं झूठ बोल रही थी, देख लिया खुद अपनी आंखों से, हो गया यकीन कि वो दोनों लोग मस्ता रहे थे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। भाभी जी की आंखों में एक दबी हुई सी चीख सुनाई दे रही थी मुझे। क्यों यकीन नहीं हो रहा है जरा बताओगे? मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उस आदमी ने भाभी जी को डराया है, धमकाया है। भाभी जी अंडर प्रेशर आके वो स्टेटमेंट कह गई कि हम लोग रोमांस कर रहे थे। एक्चुअली वो आदमी भाभी जी को टॉर्चर करता है और तब भी टॉर्चर कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी तिवारी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? तुम क्यों तिवारी जी को बार बार बदनाम करने पर लगे रहते हो? वाह, तुम्हारा तिवारी जी के लिए कंसर्न देख के मेरी आंखें भर आई। और ये आंसू खुशी के आंसू है। जल गए? जले मेरी जूती। मेरा तिवारी जी को लेकर कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बात मैं भी सच सच कहूं। जरूर कहिए। श्योर। तुम ना तिवारी जी को सामने से परेशान करते हो, छेड़ते हो। जी हाँ, हम ही तो विलेन हैं। विलेन बनना ही है तो रंजीत बनो ना। What? तुम्हें पता है जब फिल्मों में रंजीत हीरोइंस के पीछे ना करके भागता है ना तो कितना रोमांटिक लगता है। God, तुम किस किमाश की औरत हो यार। वो आदमी जिसकी आंखों में हैवानियत उतरी होती है, जो जो एकदम दरिंदे की तरह एक लड़की को अप्रोच करता है, और तुम्हें वो आदमी रोमांटिक लगता है? Yes, of course. मुझे ना उसके अंदर एक तगड़ा सा रोमांटिक आदमी नजर आता है। Oh God, I'm speechless. I've got nothing to say. मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ कहने को कौन बोल रहा है? तो बस रंजीत बनकर मेरे पीछे पड़ जाओ। My God, now I'm sorry. I can never do that. और दूसरी बात ये कि तुम्हारा जो दिमाग का स्क्रू है ना, वो ढीला हो गया है। Listen to me. ये मेरी फैंटेसी है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो खामखा तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। हल्ली पे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमसिन हसीना। तो ये देख के आता है मुझे पसीना। Oh my God, तुम क्या करने वाले हो? वो तो जब तुम मेरे हाथ लगेगी उसके बाद बताऊंगा ना कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी छिपकली। प्रभु, कैसे बात कर रहे हो मुझसे बदतमीजी से? यार विलन है, वो कैसे बात करेगा हीरोइन से? आती नहीं उतारेगा उसकी। इट्स अ प्रोटोकॉल, दिस इज द वे दे टॉक। ये अंगूरी भी ना सारा रायता इसी का फैलाया है। अच्छा ठीक है, फिर करो। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। कहाँ जाओगे बच के हसीना? नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वक्त तो हमें कह रहा था कि हम अंगूरी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये तो भाभी जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं तो भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? प्रसाद? अंगूरी, अंगूरी क्या? अरे अरे लड्डू के भैया, वो हल्दी का लेप है आपके वो जो चाटा लगा। ये सब छोड़ो। अरे क्या हुआ? वो देखो, वहाँ देखो। यहाँ कहाँ खड़े हैं आप? जाइए ना, अनीता जी का मदद कीजिए। हमरा आशीर्वाद आपके साथ है। मतलब हमरा दुआएं दुआएं आपके साथ है। ठीक है, हम देखते हैं इसको। हम भी आते हैं। जल्दी कीजिए ना लड्डू के भैया, जाइए। ये गड्ढा भी कमबख्तों को भी खोदना था। ये भाभी जी की इज्जत का सवाल है। जल्दी कीजिए।
अरे क्या 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 जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे तो यहाँ 10-15 फीट नीचे गहरे गड्ढे में लद से गिर जाएंगे। फिर आराम से जाइए। अरे अगर जल्दी नहीं गए तो वो हैवान भाभी जी की इज्जत पर डाका डाल देगा। एक दो चल। अरे चिक्की भैया कमीने। भावती जी अरे दरवाजा खोलिए भावती जी, दरवाजा खोलिए। नो मीन्स नो, वॉट फॉर? जब भाभी जी आपके साथ रोमांस करना नहीं चाहती तो आप काय जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ? जब भाभी जी ने कह दिया नो मतलब नो। तिवारी जी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बकवास की जा रहे हैं आप? क्या हुआ नीता जी? अंगूरी जी आप जरा इन तिवारी जी के दिमाग का इलाज कराइए। क्या हुआ उनको? अंगूरी जी मस्ताने का हक सिर्फ आपको ही थोड़ी ना है, हमें भी तो है। ठीक बा मस्ताइए। क्या मतलब भाभी जी? नहीं मतलब ये कि मैं और अनु अपनी मर्जी से विलिंगली रोमांस कर रहे थे। हम इनके पीछे पड़ा था ना, ये मेरे पीछे पड़ी थी। आप आगे बीच में नो मींस नो। भाई धक सुनिए, शट अप। भैया आपका पोपट हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।